Welcome, students. Today, we are reading NCRT class 11th book Hornbill, lesson 1st The Portrait of a Lady, written by Kushwan Singh. Kushwan Singh is one of the most celebrated authors of India. Apart from being a writer, he has been a lawyer. A public relations officer and the editor of Illustrated Weekly of India. Two of his most famous novels are Tran to Pakistan 1956 and I Shall Not Hear The Night Tangle 1961. The Portrait of a Lady, Ekmaila Kashad. चित्र चित्रण पोर्ट्रेट का मतलब फोटोग्राफ से होता है लेकिन यहाँ पर कुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में जो वर्णन किया है इस पार्ट के अंदर पूरा हमें ध्यान में आएगा यानी उनका जो अपनी दादी के प्रति जो लगाव था उसके बारे में जो है पूरी बात उन्होंने इस पाठ के अंदर बताई है माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन मेरी दादी हर एक की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द ट्वेंटी ईयर्स दैट आई हैड नॉन हर वह बीस से बूढ़ी और जोरियों से भरी थी जब से मैं जानता था यानी जब से मैंने दादी को मतलब देखा था दादी को देखा उसको पहचाना तब से जो है मैंने उसको उनको जो है उसी रूप में देखा इसमें कभी लेखक जो है ये बात बता रहे हैं पीपल्स एट दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड पीटी एंड हैड यून हैड ई हजबेंड बट दैट वज़ हार्ड टू बिलीव लोग कहते थे कि वह कभी जवान और सुंदर थी और उसका एक पति भी था परंतु वह विश्वास करना मुश्किल था माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ मेन प्लीस इन द ड्राॅइंग रूम मेरे दादा की तस्वीर स्वागत कक्ष में टाण के ऊपर लटकती थी He wore a big turban and loose-fitting clothes. वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least a hundred years old. उनकी जो लंबी सफेद दाढ़ी थी वो छाती के अधिकतर भाग को ढक लेती थी और वे कम से कम सौ वर्ष के लगते थे ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट अ पर्सन हु वुड अ वाइफ और चिल्ड्रन वे इस पर इस प्रकार से नहीं दिखते थे कि उनकी एक पत्नी थी या बच्चे थे ही लुक्ड एज इफ ही could only हैव lots एंड lots ऑफ grandchildren। यानी कि वे ऐसे दिखते थे मानो उनके बहुत से पोते पोतियां थे यानी उनकी जो उम्र है उसके अनुसार इसमें जो राइटर ये कहना चाहते हैं कि वो इस तरह से लगते थे कि उनके बहुत सारे पोते और पोतियां थे यानी उनकी जो एज थी उसके अनुसार ये मूल्यांकन किया जा रहा है एज फॉर माई ग्रांड फादर ग्रांड मदर बींग यंग एंड पेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग जहाँ तक मेरी दादी के जबान और सुंदर होने का सवाल है सी ऑफ अन टोल्ड ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले अ चाइल्ड यानी इसमें जो है इसमें लेखक बताते हैं कि जहाँ तक मेरी दादी की जबान और सुंदर होने का सवाल है ये विश्वास करना बेहद मुश्किल है यानि ये किस तरह से हैं वो हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिनको वो बचपन से या बचपन में खेलती थी दैट सीम्ड क्वाइट अबसर्ड एंड अनडाइग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी डिटेट इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स यूज टू टेल अस वह सब उनके लिए बिल्कुल बद्दा और छोटा लगता था और हम उनको उन महान संतों की कहानियों जैसा समझते थे जिनको वो सुनाया करती थी यानी जो बातें जो है वो सुनाती थी जो वो जो लेखक इसमें कहते हैं वो हमें इस तरह से हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड साइटली बैंड वो हमेशा से ही नाटी और मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई रहती थी यानी एज के अनुसार जो है आ, उनका जो है शरीर बैंड हो गया था थोड़ा झुका हुआ रहता था हर फेस अ क्रिस क्रॉस ऑफ़ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरी वेअर टू तो एवरी वेयर उनका चेहरा एक दूसरे के काटती हुई जूरियों से भरा हुआ था जो सभी जगह से सभी जगह जाती थी यानी उनका जो पूरा चेहरा था वो जूरियों से परिपूर्ण था इसमें जो है अपनी दादी के बारे में कुसुम सिंह जी बता रहे हैं नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर नहीं हमें पक्व विश्वास है वह हमेशा से ही ऐसी ही थी जैसा कि हम उनको जानते थे यानी इसमें वो कहना चाहते हैं कि हमने जब से उनको देखा है तब से उनका जो है चेहरा हमने वैसा ही देखा है ओल्ड सो ट्रेवलिंग ओल्ड दैट सी कुड हैव ग्राउंड ओल्ड एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर ट्वेंटी ईयर्स बूढ़ी इतनी भयंकर बूढ़ी की वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी और बीस वर्ष से उसी आयु पर रुकी हुई थी यानी उनका जो शरीर था शरीर की बनावट जो थी वो एक स्थिर हो गई थी उससे ज़्यादा बूढ़ा मतलब एकदम एक अलग स्टेज थी जो बूढ़ापन जो है वृद्धावस्था की एक स्टेज थी उसकी शी कु नेवर हैव बिन पीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल वो शरीर से सुंदर नहीं हो सकती थी पर हमेशा मन से सुंदर थी यानी इसमें जो है लेकर कहना चाहती हूँ उनका मन जो है बहुत ही अच्छा था शी हॉबड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर ट्रैलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी वह घर में सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक हाथ अपनी कमर पर अपने झुकाव का संतुलन बनाने के लिए टिकाए हुए तथा तो दूसरे हाथ में मनकों की माला जपती हुई घूमती थी यानी जो मणियों की माला होती है एक में जो है इस तरह से हाथ को टिकाई हुए रखती थी और एक आदमी माला रहती थी जिसको जो है वो अपने जो है जपने का काम करती थी हर सिल्वर लॉक्सवार स्किटाड अन अनटाइडली और हर पैल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनआइडल प्रेयर उनकी चांदी जैसी सफ़ेद लटें बिना बंधे हुए उनके पीले झुरियाँ भरे चेहरे पर बिखरी रहती थी और उनके होठ लगातार प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे यानी अब जब देखते हैं बुजुर्ग व्यक्ति जो है मन में कुछ न कुछ जो है बोलते रहते हैं जिसको हम एहसास कर सकते हैं कि वो कोई भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ जप कर रहे हैं यस शी वॉज ब्यूटिफुल हाँ वो सुंदर थी शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेंस एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेन्टी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेनमेंट वह सर्दियों में पहाड़ी जमीन जैसी थी एक शांति और संतुष्टि परिशांस लेता हुआ शुद्ध सफेद पवित्रता का हलाव यानी उनके निर्मल मल्न के बारे में जो है ये बातें बताई गई है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम लेसन का रिमेनिंग पार्ट्स पढ़ेंगे अब इसके साथ में जो है होमवर्क में हम ग्लोसरी जो भी आपको इसके साथ मिल जाएगी वो कर लेंगे थैंक यू